barren, brown landscape pave way to the friendly village of Jafarjokio. Chacha Khamiso is the leader and caretaker of the village. All the villagers look up to him as the father figure, and he considers all his villagers as one big family. गांव को तकरीबन 100 साल हो गया होगा कि रेल भी बात में आई है. हम लोग पहले से बैठे हुए हैं और इसमें जो है 150 घर हैं हमारे तकरीबन. The people consider the little village to be their haven. However, they are not ignorant of the problems plaguing their lives. One of the most taxing tasks the villagers have to strive for is the collection of water for daily consumption. The women of Jafarjokio huddle around the water tap with their blue cans to collect as much water as they can. Pani bahut tang hai, puri raat pani bharte hain. Pani bilkul hai hi nahi. Itni takleef hai jo raat ko andhere mein bhi pani bharte hain, subah tak bharte hain, shift bana ke jo hai shift banti hai. Pura nahi hota hai, bas pani hai hi nahi bilkul. Bahut tang hai pani. Saanpe hoti hai raat ko, saanp. Wo bhi andhere mein to nazar nahi aati hai. कितनों को जो है सांप ने भी काटा है इस पानी की वजह से. आराम बिल्कुल है ही नहीं. They collect in turns, while others get busy with household chores. Some unfortunate ones get their turns during the night. Absence of adequate fuel source has the village in a fix. In the absence of any electricity, the unfortunate villagers survive with the feeble light of a lantern giving them company. They chop the shrubs of their vicinity and collect the slender firewood. The men and women of Jafarjokio have braved all hardships, even unemployment. काम तो वैसे ज़्यादातर बेरोजगार है. यानी पूरे गांव का तीसरा हिस्सा जो रोजगार है, कोई रेलवे में है, कोई वाटर बोर्ड में है, कोई मिल में है, दो से बेरोजगार बेरोजगार बैठे हुए हैं. नौजवान लड़के हैं, लोग नौकरी नहीं मिलती है. कमाई को और जरिया कोई नहीं है. ये फिर रेलियाँ बनाते हैं, तकिया बनाते हैं. लेडीज जो है थोड़ी थोड़ी मदद ये भी हो जाती है, बेचते हैं जाके. ये एक रेली अभी बना रही थी ना, तो ये 500 में जाएगी, तो दो हफ्ते में तैयार हो जाएगी, फिर 500 में जाएगी, फिर सब्जी लेके आएंगे. ऐसे बस थोड़ा थोड़ा गुजारा हो रहा है. कुछ अपनी मुर्गियाँ हैं, उसके अंडे भी जाते हैं, खुद भी खाते हैं, मुर्गी अंडे भी खाते हैं, वैसे गुजारा करते हैं बस. बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है.
The school in the village lacks the basic infrastructure and facilities. स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जाफर जोखिम और तीन क्लासें हमारे पास हैं, छठी, सातवीं और आठवीं। तीनों क्लास में कंबाइन क्लासें हमारे यहाँ गर्ल्स और बॉयज की दोनों कंबाइन क्लासें चलती हैं और टीचर भी हम इस हिसाब से कि वो क्लास हमारे पास एक ही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी बिल्डिंग है नहीं, ये प्राइमरी का कमरा में मिला हुआ है जिसमें हम सब इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा मसाला है कि अटेंडेंस नहीं है हमारे पास। आप ये बोर्ड पर देख रहे हैं 25 की दाखिला है तो 7 बच्चे हमारे पास आज प्रेजेंट हैं, टोटल 7 है, 18 एक्सेंट है। उसमें ज़्यादातर ये कि हमारे पास लड़कियाँ ज़्यादा हैं, बहुत पढ़ती हैं और ये तो छोटी बच्चियाँ हैं, ये भी स्कूल नहीं आती हैं। मैं जो आपको सीधी बात बताऊँ, ये 2-3 बच्चियाँ तो आती नहीं हैं, 2 बच्चियाँ खाली हमारे पास आती हैं रेगुलर, वो कोई छोटी हैं। बड़ी हो जाती हैं तो फिर ये शादी हो गई, 2 बच्चियाँ कोई तो शादी भी हो गई। गर्ल एजुकेशन इज अनदर इशू दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। टीचर ना, अगर लेडी टीचर हमें मिल जाए तो ये कि यहाँ पर माशाल्लाह शऊर है, ये बच्चियाँ होशियार हैं हमारे शहर से, जो शहर की बच्चियाँ उनसे ये बच्चियाँ होशियार हैं। लेकिन ये कि वो नहीं है कि इनका अटेंडेंस नहीं है। अटेंडेंस इसलिए नहीं है कि ये बच्चे भाई टीचर मर्द लोग हैं, हम बाहर से आते हैं और हमारे पास ये सिंध में रवाज भी ऐसा ही है कि भाई टीचर होनी चाहिए, लेडीज़ सर से बात होती है हमारी, वो उनका मतलब ये है कि भाई टीचर लेडीज़ टीचर लाओ तो वो हम बच्चे भेजेंगे, फिर अलग कोई कमरा दे देंगे उनको या कोई अलग पोर्शन या गाँव में जाके वो पढ़ा लेगी। लेकिन ये कि वो सूरत हमारे पास है नहीं। फर्नीचर कोई नहीं है, ये हमने अपने पैसों से चंदा लेके 100-100 रुपये टीचरों ने 50-50 पटियालों से लेके ये बेंचें हमने खुद बनवाई हैं। हमारे पास कोई फर्नीचर है ही नहीं, गवर्नमेंट की तरफ कोई नहीं है। ये टोटल प्राइमरी है, 5वीं क्लास जो प्राइमरी की है, ये हम भी प्राइमरी के स्कूल में ही यानी शिफ्ट होकर बैठे हुए। हमारी ओन बिल्डिंग नहीं है, अपनी नहीं है, उसकी बिल्डिंग में बैठे हुए। Jafar Jokhyo has many problems. Water, fuel and energy, health and hygiene, infrastructure and education. They don't know when a new dawn will approach them, but instead of losing sight, they are fighting to make ends meet. The villagers seek for assistance that would provide them with the facilities that the government has forgotten, and what fate has robbed them of. Amidst all the bleakness, the children take out time for a little bit of recreation. These children are the future of this village and their elders, like Chacha Khamiso, hope that the future will be bright for them.